आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, इसका उद्देश्य क्या है और डिमांड क्या है आपकी? डिमांड यही है कि मराठा आरक्षण के संदर्भ में किधर भी मोर्चा निकालना या आंदोलन करना ये बात मुनासिब नहीं है। मुझे लगता है कि इसके संदर्भ में पार्लियामेंट में कायदा होना चाहिए, पार्लियामेंट में इसके संदर्भ में बात चलनी चाहिए। और पार्लियामेंट में एक तो सत्ताधारी पक्ष जो है, जैसे भारतीय जनता पक्ष हुआ, इनकी 300 के ऊपर खासदार है, वहां पे ये बात उठनी चाहिए, वो प्रस्ताव आना चाहिए उनकी तरफ से। और उसके अंदर प्रस्ताव आने के बाद में 300 के ऊपर खासदार रहने की वजह से वो प्रस्ताव को मंजूरी मिलनी चाहिए कि राज्य सरकार को अधिकार दिया जाए कि कितने लोगों को कितना परसेंट आरक्षण देना है। तो एक बात तो वो हो गई, और दूसरी बात यह हो गई कि अगर भारतीय जनता पक्ष कोई भी सत्ताधारी प्रस्ताव नहीं लाने वाला है, सत्ताधारी पक्ष का प्रस्ताव नहीं लाने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, एनसीपी के लोगों ने एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहिए पार्लियामेंट में, और उस बात पे अड़े रहना चाहिए कि जब तक आप इसको पारित नहीं करते हैं तब तक हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। इस हिसाब से पार्लियामेंट में ही अब कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई रस्ते पे उतर करके या दौरे करके होने वाली नहीं है, ये पार्लियामेंट में होने वाली है। तो पार्लियामेंट में एक तो बीजेपी लाए, नहीं तो कांग्रेस, एनसीपी और राष्ट्र, एनसीपी और शिवसेना लाए, कोई भी लाएगा उसके पीछे समझ करना रहेगा। सर, मुस्लिम आरक्षण को समर्थन है आपका, उनकी भी डिमांड? बिल्कुल है, बिल्कुल समर्थन है, क्यों नहीं है। इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, मुस्लिम आरक्षण को हमारा जरूर समर्थन है। देखिए, बात यह नहीं है कि ये किसी कास्ट के बारे में सीमित चीज है, क्योंकि मैंने अभी अभी बयान दिया हुआ है कि मैं पटेल का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, पाटीदार समाज का है या फिर और गुजर का है, इनको सबको उनके उनके स्टेट में आरक्षण मिलने की जरूरत है। और वो डिसीजन स्ट्राइक डाउन हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद। वो इसलिए क्योंकि लॉ उस तरह का बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट नया लॉ नहीं बना सकता है, जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है वही सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर कुछ करने की जरूरत है वो है पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करने की कि ये जो देना है रिजर्वेशन, ये कितना किसको देना है, इसके अधिकार जो है ये राज्य सरकार को देने चाहिए। सर, ब्रेक दी चेन के नाम पर जो लॉकडाउन चल रहा है, 31 तारीख को उसके 46 डेज खत्म होने वाले हैं। ऐसे में खासदार इम्तियाज जलील ने 1 तारीख से मार्केट खोलने का इशारा दिया है। ऐसे में माजी खासदार चंद्रकांत खैरे उनको चैलेंज कर रहे हैं कि हम मार्केट नहीं खोलने देंगे, इस पर आपकी भूमिका क्या है? नहीं, मार्केट नहीं खोलेंगे तो गरीब लोग मर जाएंगे, और अगर चंद्रकांत खैरे जी चाहते हैं कि गरीब लोग मर जाए तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट को बंद रखना चाहिए, मार्केट खुलना चाहिए। और ब्रेक द चेन, वैसे भी देख रहे हैं आप कि ऐसे जो भी अभी लॉकडाउन लगा हुआ है फिलहाल, फिर भी आप रास्ते पे देखेंगे काफी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, काफी भीड़ जमा हुई है। मुझे नहीं लगता कि इस संदर्भ में दुकानें बंद रखना ये कोई समझदारी की बात होगी। चलिए, धन्यवाद।